ਸਾਰੇ ਦਾਰੂ ਪੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ बादल पिंड दे विच आए हाँ। एक सीक्रेट टिप ऑफ के उपर सानू कुछ दिनों तो यह पता लग रहा है कि इस इलाके दे विच इनलीगल तौर दे नाल ईएनए जिन्हों आप एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल कहने उसकी सप्लाई हो रही है। तो उस इनफॉर्मेशन नू डिवेलप करते हुए सानू एक होर इनफॉर्मेशन आई भी है जो डिलीवरी हैगी है दो चार दिन के अंदर अंदर होनी है। उन्होंने असी अज फिर साड़ी टीम ने पुलिस मुक्तसर साहब पुलिस बठिंडा पुलिस एक्साइज हेड ऑफिस एक्साइज साढ़े सारे एक्साइज के स्टाफ ने एक्साइज बठिंडा एक्साइज मुक्तसर साहब सारे ने रल के जब पता लग्या कि वह ईएनए इस थान पर जिते आप बैठे हाँ इतने डिलीवरी हुई है तो इतने रेड किया गया तो भारी मात्रा के सू ईएनए मिलया प्लस कुछ शराब दियां बोतलां बनिया हुई जिहड़ियां कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स ने बाहरलियां स्टेटां दे भी ब्रांड ने वो मिले कुछ अच्छे ब्रांड जिवें रॉयल स्टैग इंपीरियल गोल्ड इस तरह के मिले ने भारी तादाद दे विच सानूं उहदा बिल्डिंग जिहड़ा मटीरियल जिहदे नाल बनदा है जिवें कैप हो गए गत्ते हो गए हज़ारां च वो मिले है। कुछ जाली होलोग्राम मिले ने जिहड़े कि पंजाब दे बोतलों के उपर हर एक्साइज बोतल के उपर लगता है। मैं ये भी दसना चाहवागा कि इस दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों एक मुहिम जारी हो रही है जिहदा नाम ऑपरेशन रैड रोज़। यह सारा कार्यक्रम उस ऑपरेशन रैड रोज़ के तहत साडे एक्साइज कमिश्नर श्री रजत अग्रवाल जी की रहनुमाई दे विच कीता गया। वख-वख जिलों तो टीम लगियां सारे थावां ते ते इह असीं अज इस नूं असीं फड़ सके हैगे आ। दो बंदे गिरफ्तार होए ने जिन्हां विचों इक दा नाम हैगा आनंद शर्मा। वह बंदा इत्थे नेड़े किसी बॉटलिंग प्लांट दे विच कहिंदे वी कम करदा हैगा जिहड़ा बॉटलिंग प्लांट हैगा वो सानू ये पता लग्या हैगा कि वह किसी तो किसी थर्ड पार्टी नू या कोई बाहर दी पार्टी है उन्हूं लीज ते दिता होया है। इस वेले वो चल रहा सीगा उत्थे भी असीं इंस्पैक्शन चल रही है रेड चल रही है वह भी चैक हो रहा है। फिलहाल सानू जो मटीरियल सानू उत्थे मिलिया है वह इस लोकेशन तो मिलिया हैगा ते अगे दी कार्रवाई असी हुण करके तुहानू दस्सांगे। इस लोकेशन किहदी है ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਫੋਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਾਰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਾਲੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ थर्ड पार्टी को बाहरली मेरे ख्याल चेन्नई या किसी हैदराबाद की पार्टी है उन्होंने किराए पर दिता हो कुछ ऐसा किया कागज़ हले सूँ मिले नहीं पेश हो रहे हैं।